हवस की खोपड़ी न है, ये हवस की कभी खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है। अच्छा, जब सिकंदर बादशाह की हवस की खोप हालात और जिंदगी दो पहलू हो जाते हैं और उस पहलू को लोग टाल देते हैं, लेकिन आप लोग के बीच में ऐसे शख्स से हम मिलाएंगे आज की जो 66 वर्ष की उम्र के बावजूद भी अपने आप को जवान समझते हैं। और एक नई चीज, इन्होंने पूरी लाइफ लोगों को शिक्षा देने में, बच्चों को शिक्षा देने में गंवा दी, यहाँ तक कि आज उम्र हो गई है वृद्धा पेंशन लेने की। और टीचर थे तो टीचिंग का भी हमें मिलता है पेंशन, इन्हें सबको लात मार दिया कि मुझे नहीं चाहिए पेंशन। ऐसा क्यों, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। लोगों की लालच बढ़ती जाती है कि नौकरी मिल रहा है, जो 70 रुपये पे इन्होंने टीचर का काम किया, आज तो 50,000 लोग पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इन्होंने 70 रुपये में कैसे संतुष्ट किया उस जमाने से लेकर अब तक में आपको कितनी बदलाव हुआ, मैं दादाजी से बात करता हूँ। पहले तो आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और एक चीज मैं बताऊंगा, आप अपना परिचय एक बार बताइए, क्या है आप, कौन है? मेरा नाम छांगुर सिंह यादव है जी, है ना जी। और मेरा क्वालिफिकेशन शिक्षा जो है सिर्फ हाई स्कूल है। अच्छा, हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद भी आप टीचर हो गए थे? लेकिन मैं इंटर के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इंटर के बच्चों को हाई स्कूल पढ़े और इंटर के बच्चे पढ़ाते हैं? इंटर के बच्चों को मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या क्या मतलब पढ़ा लेते हैं? है ना, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक ही विषय, वैसे तो हर विषय में पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं अपने समय का टॉपर रहा हूँ। अच्छा, हम लोगों के समय में जो है कक्षा 8 की परीक्षाएं भी जो है बोर्ड से हुआ करती थी जी। उस समय मैं जिला टॉप किया था, है ना? कितना सन, क्या था सन याद है? हाँ, 1972। 47 वाला दिन याद है कि नहीं आपको? नहीं, वो उस समय नहीं, उस समय तो मेरी पैदाइश ही नहीं थी। अच्छा, हाँ, 72 में 8 पास कर लिया आपने? हाँ, 72 में मैंने 8 पास कर लिया। हाई स्कूल का पास? 74 में मैंने हाई स्कूल पास किया जी, है ना? तो मैं अपने समय का टॉपर रहा हूँ और आज भी मैं टॉपर की तरह ही पढ़ाता हूँ। बच्चों से कह करके मैं पढ़ाता हूँ कि अगर मेरी पढ़ाई लाइक करो तो ठीक है, नहीं तो अदर स्कूल, दूसरे स्कूल में चले जाओ। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कह दे कि नहीं आपकी पढ़ाई में लाइक नहीं करता हूँ। अगर एक भी बच्चा कह दे मैं आपकी पढ़ाई लाइक नहीं करता, तो उसी दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। उसी दिन से कोई टीचर इतना गर्व से नहीं कर सकता है। हाँ जी, मेरे पढ़ाई को आप लाइक करो, आप कैसे समझते हैं कि मतलब हम जानते ना है, हम बच्चों को पढ़ाते समय, मान लीजिए सपोदन में कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अब उस उम्र में, जिस उम्र में मैं कक्षा 5 में था, उस उम्र में अब जाता हूँ और देखता हूँ कि उस उम्र में बच्चों की दिमाग की कैपेसिटी कितनी रहती है। अच्छा, अब के बच्चे में और उस समय के बच्चों में क्या अंतर है? कोई खास अंतर तो है नहीं, है ना? उस समय जो है मनोरंजन के संसाधन जो है कम हुआ करते थे, अधिकांश बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते थे। इस समय मनोरंजन के साधन नाना प्रकार के हो गए हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल पे, कोरोना वायरस चल रहा है, जब से मोबाइल पे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल से क्या पढ़ पाएंगे? ना ना, मोबाइल से कुछ नहीं पढ़ाई होगी, ये तो बड़े घरानों के लिए है। अच्छा, जे ISPCS अधिकारी के बच्चे है जो है मोबाइल से पढ़ पाएंगे। अच्छा, आम आदमी के बच्चे, मजदूरों के और किसान के बच्चे मोबाइल से नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, आज एक और बात बताए, आपने टीचिंग किया, बहुत अच्छा लगा, और आप बताते हैं कि मेरे उम्र इतना हो गया, आप पेंशन क्यों नहीं लेते? ना देखिए, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना? भगवान हमको जिस रूप में रखेगा उस सही रखेगा, क्योंकि एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज गुड, जीवन का प्रत्येक रूप अच्छा है, चाहे जिस रूप में रख रहा है उसको प्रसाद मान करके आप चलिए और उसको ग्रहण कीजिए। देश में बहुत विडंबना है, लोग पैसे के पीछे जान ले लेते हैं और जान दे देते हैं। हाँ, तो आप भी, आपके नॉलेज में भी, आपके सामने भी ना जाने कितनी हत्या होंगी पैसे को लेकर। हाँ, जो आदमी होता है पैसे, तो उन लोगों को क्या सुझाव देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? ये हवस की खोपड़ी न है, ये हवस की कभी खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है। अच्छा, जब सिकंदर बादशाह की हवस की खोपड़ी,
सिकंदर की हवस की खोपड़ी नहीं भरी तो हम आम आदमी की कैसे भर सकती है, नहीं भरेगी। जब सिकंदर विश्व विजेता हो गया तो समुद्र के पास गया कर लेने के लिए, समुद्र ने कहा कि कर तो हम देंगे लेकिन ले जाएगा कैसे, तो सिकंदर ने कहा कि तुम कर तो दो पहले। समुद्र के अंदर से जो है हीरे जवाहरात जो है निकलना शुरू हो गए, हीरे जवाहरात का जो है पहाड़ लग गया जी। तो सिकंदर बोला समुद्र से कि कोई वाहन तो ले जाने के लिए, तो उसमें से समुद्र के अंदर से जो है मानो खोपड़ी निकली। समुद्र बोला कि भरो इसमें, धन को भरो इस खोपड़ी में। तो सिकंदर कहता है बेवकूफ इसमें कितना आएगा, तो कहा कि भरो तो सही। उसके सैनिक जो है खजाने को उसमें खोपड़ी में भरना शुरू कर दिए, भरते भरते बहुत से सैनिक मर गए, फिर भी खोपड़ी खाली की खाली रही। तो ये खोपड़ी जो है हबस की है, आज आपको जी दुनिया की संपत्ति दे दी जाए जी, हाँ जी, तब भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। दादाजी सच्चाई है, देखिए कलयुग चला सब है ना, बहुत युग चला, और ये कलयुग, कलयुग को किस नजर से आप देखते हैं, कलयुग को किस नजर से? कलयुग देखिए हर आदमी का अपना अपना विचार है कि ना। आप चूंकि मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जीवन का कोई बैलेंस ही नहीं है, विचार और बदलाव में आता है, विचार सुनिए पहले, ये जीवन का कोई बैलेंस नहीं है जिस पर हम गरूर कर रहे हैं, इस हमारे आकाश गंगा में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा हाँ, जिस पर हम गरूर अपने शरीर पर कर रहे हैं, आप सोच लीजिए कि हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी का वही अस्तित्व है, हम अपनी आकाश गंगा में पृथ्वी का वही अस्तित्व है जो गणित में दशमलव बिंदु है। अच्छा, यानी दशमलव बिंदु में ही बड़े बड़े महासागर, बड़े बड़े महाद्वीप, नदियां, पहाड़, झील दशमलव बिंदु में ही जो है सिमटे हुए हैं। तो बताइए मानव का क्या अस्तित्व है, क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है जी। है पहले के और आज में अंतर क्या है? कुछ अंतर कुछ नहीं है। देखिए एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डिजिटल युग है, पहले का ऐसा युग नहीं था, इसको कैसे देते हैं? ये सुनिए, नथिंग इज गुड आर बैड इन दिस वर्ल्ड, थिंकिंग मेक्स इट सो। इस संसार में न कुछ अच्छा है न बुरा है, सिर्फ अच्छा सोचना ही अच्छा और बुरा बनाता है। क्यों लोग इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया है? पहले लोग इतना दौड़ भाग नहीं, ऐसा है ना कि ये संसाधन भी नहीं था पहले, अब तो संसाधन भी, फिर भी लोग परेशान रहते हैं। परेशान इसलिए है ना कि कहा जाता है कि देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप। आज का समाज जो है भेड़िया धसान वाला हो गया, पाप किए हैं कि नहीं, पाप किए हैं कि नहीं? यह आदमी देखिए हाड़ मांस का शरीर है, समझिए ना, गर्मी पड़ेगी तो इसको गर्मी महसूस होगी, ठंड पड़ती है तो ठंड लगनी। तो जीवन में टू ही हूं मैं, मानो जो है गलतियों का पुतला है, हर आदमी से कहीं ना कहीं गलतियां। मोबाइल युग में किस नजर से देखते हैं? मोबाइल युग आ गया, मोबाइल देखते हैं कि नहीं आप? पहले देखता था लेकिन हमारे समझ से जो है ना ये कुछ अच्छा नहीं है, ये ज्यादा जो है ये गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। ऐसा तो नहीं लगता है, मोबाइल से बहुत लोग लाखों लोग कमाते हैं। तो कमा न रहे हैं तो फिर आपने क्यों कहा कि गलत लेके जा? देखिए हर हर इच क्वाइन हैज टू टर्म्स, हर सिक्के के दो पहलू हैं, है ना, हर सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे सुख है दुख है, रात है दिन है ना, तो हर सिक्के के दो पहलू है। तो जहाँ गलत होगा वहीं वहाँ सही भी होगा। मोबाइल से तो बहुत सारी गलतियाँ। एक बात और सुन लीजिए, बिना गलत के सही हो ही नहीं सकता। तो कहाँ सही हो रहा है इस समय? कहाँ सुनिए, गलत और सही दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है, पूरक है जी। कुछ है नहीं, सब न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। जिसको आप अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा है ना, द थिंग्स देखिए, द थिंग्स विच इज गुड टूडे विल बी बैड टुमारो, जो चीज आपको अच्छी लग रही है कल को वही बुरी हो जाएगी, जो बुरी लग रही है अच्छी हो जाएगी, जो बुरी है वो अच्छी हो जाएगी, यही है जी। 2021 चल रहा है और चुनाव आ गया है, चुनाव चुनाव में कुछ लोग मिल रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, चुनाव में मैं इंटरेस्ट लेता ही नहीं। क्यों? हम जानते हैं कि
उस विचारधारा के लोग नहीं है। आप भी तो जिस भारत के नागरिक हैं। ठीक है, भारत नागरिक का काम का मतलब नागरिक से मतलब नहीं है। क्यों ना, हर आदमी अपने विचारधारा से काम करता है, निभाएंगे। नागरिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो दायित्व है उसको निभाना है। क्यों आप ऐसा क्यों? हर आदमी का जो है अपना एक अलग विचारधारा है, सिद्धांत है। लेकिन आप भारत के नागरिक है ना। भारत के हम नागरिक है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति समाज में खड़ा हो जो निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करे प्रधान बन करके। लेकिन ऐसा वो करता नहीं है न करेगा। रामलीला लगता है हमारे यहाँ, यहाँ पे रामलीला पर 2 दिन मैंने कहा था 2015 के इलेक्शन में कि अगर आगे कोई भी प्रधान बनेगा तो हमारे गांव में एक फ्री कोचिंग चलनी चाहिए। हमारा गांव गरीब है, एक फ्री कोचिंग चलनी चाहिए, उसमें मैं फ्री अवकाश पढ़ाऊंगा, एक पैसा मुझे लेना नहीं है। अब प्रधान जो है अपने तरफ से 2-3 टीचरों को रखेगा, उनको सैलरी देगा, लेकिन मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन कोई तैयार ही नहीं हुआ तो बताइए कहाँ से हम इंटरेस्ट लें। विकास विकास हो रहा है तो विकास में क्या विकास और विनाश जो है एक दूसरे के वो है। आप क्या क्या विकास हुआ है? क्या कुछ नहीं विकास है। इससे पहले कोई जो प्रधान था क्या किया? क्या किया? देखिए विकास हमारा तब होगा जब हमारे गांव में जो है एजुकेशन बढ़िया हब होगा, एजुकेशन का बढ़िया हब होगा। हमारे गोसपुर कठौत की आबादी करीब नियर अबाउट 25,000 है। यहाँ कोई बढ़िया अस्पताल है नहीं है, यहाँ कोई बढ़िया शिक्षा का केंद्र है, तो क्या हम विकास क्यों खड़ंजा बनवा देने से या हैंडपाइप लगा देने से विकास होगा? सुअर के गले में आप सोना का हार पहना देंगे तो महारानी महारानी बन जाएगी जी, जी। बन जाएगी। विकास जब होगा, विकास किसको मानते हैं? किसको मानते हैं विकास, किसको मानते हैं? देखिए निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते रहिए, ठीक है ना। अब ये आप इमारत खड़ा कर लिए या मोटर गाड़ी वगैरह खड़ा कर लिए तो ये विकास नहीं है, तो विनाश है। अच्छा, लेकिन सभी लोग तो इसी के पास है भाग कि मेरे पास बंगला, उनके पास दिमाग नहीं ना है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, बंगला गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो दूसरे के घर में मैं सोता हूँ। रामलीला चबूतरा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? शादी नहीं की है ना? शादी नहीं की है? नहीं है शादी। क्यों? अगर शादी हो गई होती तब तो हम गलत रास्ते पर चल ही दिया होता, तब तो पैसा हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हो गया होता। बच्चों की शादी करना है, विवाह करना है, तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे? कैसे करते क्या? हैं फिर करेंगे? अरे ऊपर वाला है ना, हम ईश्वर का जो है एक अंश है। अच्छा, हम उसका एक अपने को अंश मानते हैं, वो जिस प्रकार हमको रखेगा। शादी का ख्याल नहीं आया कभी? नहीं ख्याल आया, 2-3 आए थे हमको देखने वाले, शादी हमसे करने वाले, लेकिन मैं फ्रेंक बोल दिया, वो भग गए। आज के लोगों को चापलूसी जरूरी है, चापलूसी कर कह दो कि 52 बीघा पुदीना बोया हुआ है हमारा, ये है वो है, ये जरूरी है। शादी नहीं, अगर आजकल के लड़के शादी नहीं करते तो तमाम बलात्कार हो रहा है, वो तो होना ही होना। ये बाबा आदम के जमाने से आ रहा है, अब फिलहाल में चलेगा, अब फ्यूचर में भी चलेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। अच्छा, ये कभी बंद नहीं होगा, चाहे मोदी जी रहे या जो आपके जमाने में कभी बलात्कार हुआ कि नहीं? बहुत होता था बलात्कार, हर चीज, कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ उसका थोड़ा सा रूप बदल गया है। लाख सवाल। आप सरकार के बारे में, आज के सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या और समाज के बारे में, दोनों को बारे में बताइए। सरकार के बारे देखिए, जो कुछ भी होता है ना, व्हाट एवर द गॉड डज फॉर अस इज द बेस्ट। ईश्वर जो कुछ हम लोगों के लिए करता है ना, अच्छा करता है, है ना। इस सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? हम किसी भी सरकार से खुश रहते हैं। वोट नहीं देंगे तो खुश न रहेंगे? वोट देंगे नहीं, वोट देंगे आप कह ही रहे कि वोट नहीं देता है। पहले मैं जो है इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था, भाग दिन दिन भर जो है वहाँ पोलिंग बूथ पर जो है मैं पर्ची काटा करता था, लेकिन अब थोड़ा सा उचाट हो गया है दिमाग, छोड़िए। इसलिए ना समाज को क्या उद्देश्य देना चाहिए कि किस तरह से रहना चाहिए? समाज को लाइट, समाज को क्या उद्देश्य? और समाज को उपदेश देने के लिए तो मैं स्कूल में खुद ही उपदेश देता रहता हूँ। ऐसे बता दीजिए बच्चे को, आज के बच्चे पे ही बता दीजिए। हम तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर शादी ना करे, ना ना शादी, ये शादी करना तो बहुत जरूरी है, तो फिर आप क्यों नहीं किए?
क्योंकि मैं गरीब था। नहीं सुनिए, मैं गरीब परिवार से बिलोंग रखता था, गरीब की शादी फ्रैंक में बोलता था। गरीब की शादी नहीं होती, नहीं होती है तो फिर? लेकिन फ्रैंक बोलने वाले के पास बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत रेयर होते हैं। अब ये सोच लीजिए कि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में मेरा रिकॉर्ड है कि 24 साल तक कोई किसी भी विभाग में काम करने वाला व्यक्ति 24 साल तक जो है एब्सेंट नहीं रहा होगा। अच्छा। हाँ, एक दिन भी मैं एब्सेंट नहीं हूँ पूरे विश्व की मैं बात बता रहा हूँ। बिलात के जाते थे है ना? नहीं, तीन बोतल पानी चढ़वा करके मैं क्लास लिया हूँ। पूरे हिंदुस्तान की क्या बात है, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं होगा कि अपना 24 साल के 25 साल के कार्यकाल में एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ। आज पता लगा करके पूछ लीजिएगा, कल बताइएगा मुझे। अच्छा, चलिए पता लगा करके बताइएगा कि नहीं एक व्यक्ति है। आपसे लोग अगर बात करना चाहे तो कैसे होगा? हाँ, हमसे लोग आकर के मिले, बातचीत मोबाइल नहीं करते, कुछ नहीं, मोबाइल है, मोबाइल से डरते हैं ना, मोबाइल से डरना तो किसी से नहीं। आपने कहा ना कि नहीं मोबाइल गलत करा रहे, डरना क्या है? नहीं, आप ही ने तो कहा। देखिए जी, कहने का मतलब यह है कि डर ही मृत्यु है। उनका ये क्या नाम है, रविन्द्रनाथ, ये नहीं, उनका स्टेटमेंट है जी। चलिए दूसरा कुछ पॉइंट बताइए। हाँ बोलिए क्या? डरना है मृत्यु है, आपको डरना नहीं है, है ना? मरने तो डरने का मतलब है कि जहाँ जहाँ कौन मरना चाहता है आप बताइए, आप मरना चाहते हैं? हाँ मरना चाहते हैं। सुनिए, समय से पहले कुछ होने वाला नहीं है, हम जानते हैं समय से पहले कुछ होने वाला है नहीं, है ना? मृत्यु जो है एक दिन समय। मोदी के बारे में बता दीजिए, मोदी जी के बारे में। मोदी जी एक अच्छे हमारे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। हाँ, लोग सभी लोग गाली दे रहे हैं। गाली क्या? मोदी जी अकेले सबकी इच्छाओं की पूर्ति तो करेंगे नहीं। अच्छा। किसी के लिए हर इच्छा, हर आदमी की इच्छाओं की तो जी कैसे है? अकेले हाँ, जी। क्या अकेले जी? देखिए, हमारे नजर में जो है सभी लोग अच्छे हैं, है ना? फिलहाल में जो है सभी लोग अच्छे हैं। हम किसान परेशान है, आप किसान है ना? किसान है ना? किसान काहे को परेशान है? वहाँ पे सब लोग बाजार में परेशान है, मोदी जी। हर आदमी जो है अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़ा हुआ है जी, है ना? तो परेशान रहेगा ही। हमारे यहाँ का किसान देख लीजिए, वो काम करना नहीं चाहता। तो गलत है, वो लोग गलत है, किसान गलत है जो वहाँ पे है। क्या किसान गलत है? गलत वगैरह हम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको आंदोलन करना है तो मिल बैठ करके जो है उसका फैसला, हथियार लेके चला रहे हैं कौन वो आप? इसके बारे में तो आप ही जानते हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ, है ना? चलिए, थैंक यू, वीडियो बहुत काफी हो जाएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।